अब अगला योग है हमारा नीच भंग राज योग। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जीवन भर काम आएगा आपके, क्योंकि कोई भी कुंडली आपके पास आएगी तो सबसे पहले ये देखना है कि नीच, कोई ना कोई प्लैनेट नीच का मिलेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कुंडली में कोई भी एक प्लैनेट नीच का बैठा हुआ है? कौन कौन है ऐसे लोग? तो मेरा भी है सूर्य, हाँ जी, और मेरा भी है ये हाँ, मोस्टली लोगों में देखा गया है कि कोई सूर्य। ना कोई एक प्लैनेट नीच का मिल ही जाता है कुंडली के अंदर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो मेरा कुंडली में प्लैनेट नीच का हो गया। लेकिन मोस्टली नीच भंग हो रहा होता है। नीच भंग का मतलब है कि आपको दिख रहा है वो नीच का है, लेकिन क्या हुआ, भंग हो गया वो, जैसे कहते ना खत्म हो गया, नीच नहीं रहा वो। अब जब कभी कोई प्लैनेट कुंडली में नीच का होता है और उसमें कुछ रूल लगकर अगर उसका भंग हो जाए, यानी कि उसकी काट हो जाए, तो दैट मींस वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पहले तो आप कहते हैं नीच का है, लेकिन वो ही आपको राजा बना देगा, क्योंकि वो जो नीच का प्लेनेट है आपकी कुंडली के अंदर, अब वो उसका भंग हो गया। अब आपको ये नहीं पता अभी भंग होता कैसे, वो सिखाएंगे आप आज आपको कि भंग कैसे होता है। जब कोई प्लेनेट नीच का होकर भंग हो जाए तो वो राजयोग का निर्माण कर देता है, सोचिए आप। ठीक है, और जिस जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाए, वो लाइफ में बड़ी विपरीत परिस्थितियों से निकल कर निकलेगा जरूर, ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा आएंगी और एक बहुत मतलब हाई लेवल पर आएंगी, लेकिन उसको क्रॉस करके कभी ना कभी हाइट पर जरूर पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीख लेते हैं भी नीच भंग का मतलब क्या है। नीच भंग राजयोगा एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ए स्ट्रॉन्ग राजयोग। सोचिए क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग राजयोग विच इफ प्रेजेंट इन ए नेटिव कुंडली। अगर किसी कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग बन जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग है। हेल्प ए पर्सन फाइट अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन, मतलब बुरी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है बंदे में, एंड कम आउट एज ए विनर एंड शो शॉवर हिम और हर विद इनकम्पेरेबल वेल्थ लाइक ए किंग। ठीक है, अब यहां कभी भी वेल्थ लिखा होगा ना, वेल्थ का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो सोसाइटी में इमेज है, वो भी आपकी वेल्थ होती है। आपका जो पुत्र धन है या स्त्री धन है या कोई भी आपके पास धन है, उसको धन की उपाधि दी गई है, वो वेल्थ ही होती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि नीच भंग राजयोग जिस कुंडली बन रहा होगा, सबसे पहली बात क्या लिखी गई है कि वो जो पर्सन है वो एडवर्स कंडीशन में, यानी कि बुरी परिस्थिति में निकल कर आएगा, कभी ना कभी उसे फाइट करके निकल आएगा पहली बात, और अपने आप को चमका लेगा। इन ए प्रेजेंट टाइम द नीच भंग राजयोग इज सेट टू बी क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल योगा हुज इंपैक्ट इज क्लियरली विजिबल, मतलब उसका जो इंपैक्ट है वो विजिबल होता है, आपको नजर आएगा साथ साथ। इट इज ऑफन द केस दैट प्रेजेंट ऑफ एनी प्लैनेट इज ए डेबिलिटेड साइन इन ए नेटिव कुंडली इज रिगार्डेड एज एन इन्फ्लुएंसिंग प्लैनेट। तो वो क्या है, ठीक है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन वन मस्ट इवेल्युएट द होल कुंडली एंड चेक इफ दैट प्लैनेट प्रेजेंट इज टर्निंग आउट वीक आउटकम एज ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप कुंडली देखें और उसमें आपको नीच का प्लैनेट नजर आ जाए कुंडली के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलना शुरू कर दो, भाई तेरा तो नीच का प्लेनेट है, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, ये दशा तेरी खराब जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं बोलना। सबसे पहले देखो उस चार्ट को कि जो नीच का प्लेनेट है क्या नीच भंग हो रहा है। अगर उस कुंडली में ये आप पहचानना चूक गए तो उसके जहां बिल्कुल नेगेटिव आप बोलने वाले थे वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीच भंग हो गया। ठीक है, कहां तो बिल्कुल नीचे ले जाता उसको, कहां क्या होगा वो इतना ऊपर ले जाएगा प्लेनेट, मतलब आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। तो इसलिए कभी भी नीच का प्लैनेट देखकर एकदम से नहीं बोल देना, सबसे पहले देखो कि वो भंग तो नहीं हो रहा, और कैसे भंग होगा वो अभी बात करते हैं। इस स्लाइड में यही लिखा है कि पहले ध्यान से देखो कि कोई राजयोग तो नहीं बन रहा नीच भंग से। व्हाट इज नीच भंग राजयोग? अब नीच भंग राजयोग बनता कैसे? अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी द नीच भंग राजयोग इज स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस राजयोग दैट मींस ए पर्सन कैपेबल एंड वेल डिपेंडेंट With these, the natives surpass all kind of challenges in life through his or action and heads towards the path of success in life. सबसे पहली बात तो समझ लो कि अगर नीच भंग राजयोग आपकी कुंडलियां बनाए तो प्रॉब्लम आएंगी, डेफिनेटली लाइफ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन क्या होगा, आप उनको कैपेबल हो उनको पार करने में, ये समझ लो। आप हर तरह का चैलेंज आप लाइफ में क्रॉस कर सकते हो, पार कर सकते हो। एज नेम इट सेल्फ सजेस्ट ए प्लैनेट इन ए डेबिलिटेटेड स्टेट इन ए कुंडली
इज द फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन फॉर ए नीच भंग राजयोग टू फॉर्म। सबसे पहली कंडीशन क्या है नीच भंग राजयोग के लिए? सबसे पहले कोई भी प्लैनेट नीच का होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही ना भाई। भंग तो तब होगा ना, पहले नीच का तो हो प्लैनेट, तो आप पहले खुशी बनाइए अपनी कुंडली में। अगर जिस जिसकी कुंडली में राजयोग है मतलब प्लैनेट नीच का है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो भंग हो जाए तो दैट मीन्स कभी ना कभी आपको राजा बना देगा एक बार को। तो पहली कंडीशन क्या है नीच भंग राजयोग के लिए? कि कुंडली में कोई भी प्लैनेट पहले तो नीच का होना चाहिए, दूसरी पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ए नीच भंग राजयोगी फॉर्म मैंने डेवलेटेड प्लैनेट इज पॉजिटिव इन कुंडली इन सच ए वे कि नीच का प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है वो इस तरह से बैठा हुआ है कि जो उसका डेवलेशन है वो एंड हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। अब वो कैसे खत्म होगा ये आप बात करते हैं। बिकम स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियर, ठीक है ठीक है। आप सिंपल सिंपल सी बात समझते हैं, ये तो लिटरेचर मैंने लिख दिया है ताकि आपके लिए कंटेंट तैयार हो जाए और आप इसको पढ़ सके। सिंपल सी बात है, नीच भंग राज्यों के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि प्लैनेट नीच का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि प्लैनेट आपका इस तरह से बैठा हो वो कुंडली के अंदर नीच का कि उसका भंग हो रहा हो। अब भंग होने की चार पांच कंडीशन है, अब वो कंडीशन ध्यान से सुन लीजिएगा, इतनी जल्दी हो सकता है आपको समझ ना आए तो चिंता की कोई बात नहीं है। जब घर पे तसल्ली से दिमाग से दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भंग होता कैसे। भंग होने की पांचवी कंडीशन है, अब वो थोड़ा लिटरेचर लिखा हुआ है मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, उसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ईच प्लैनेट रिमेन्स ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज, देयरफॉर देयर गोइंग अहेड नीड ए अंडरस्टैंड व्हेन ए प्लैनेट रिमेन इन डेवलप्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ईच प्लैनेट हैड इट्स ओन फेज। अब आपको पता ही है, मैंने बता रखा आपको कि भी हर प्लैनेट आपको पता है नीच का कहां होता है उच्च का कहां होता है, आपको सभी को मैंने लिखवा रखा है कि जैसे सूर्य है कहां पर नीच का होगा, तुला राशि में नीच का होता है, एरीज में उच्च का हो जाता है वो। तो हर प्लैनेट की हमने आपको बता रखा है कि उच्च का कहां पर होता है, नीच का कहां पर होता है, उसकी मूल त्रिकोण साइन कौन सी है, उसके फ्रेंडली साइन कौन से हैं, उसके एनिमी साइन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम चीजें कर चुके हैं। तो ये सारी सारी चीजें हमने इसमें यही लिखी हुई है फिलहाल। एन एग्जॉल्टेड जोडियक साइन मींस दैट ए प्लैनेट इज लोकेटेड एट ए हायर पॉइंट। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी कुंडली में प्लैनेट अगर उच्च का है तो दैट मीन उसका एक स्टेटस है, उसकी पोजीशन एक हाई पोजीशन पर है। वेयर इट कास्ट ए स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, तो जो प्लैनेट उच्च का हो गया उसका आपकी लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड ए डेवलेटेड साइन मीन्स द लोअर पॉइंट, ठीक है, इंपैक्ट उसका भी इंपैक्ट होता है आपकी लाइफ पर। तो ये दो उच्च के प्लैनेट है नीच के प्लैनेट एक पॉइंट है, स्टेटस है प्लैनेट का, दोनों ही आपके ऊपर मोस्टली इफेक्ट डालते हैं, ठीक। कोई एक अच्छा डालेगा एक बुरा डालेगा, ये सारी चीज लिखी हुई है इसमें। अब इसमें क्या है प्लैनेट दोबारा से मैंने लिख दिया आपको ताकि आप पे पीछे स्लाइड देखनी ना पड़े आपको, मैंने दोबारा से आपके रिपीट कर दिया कि सर सूर्य एग्जॉल्टेड का किस राशि में होता है, डेवलेटेड किस राशि में होता है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। हाउ इज नीच भंग या योगा फॉर्म, अब ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। There are several conditions pertaining to the formation of each Raj Yoga. Raj Yoga in Kundli. The first condition, as mentioned above, for Neech Bhang Raj Yoga is that when a planet is in a debilitated sign. सबसे पहली condition है कि Neech का planet होना चाहिए. But the presence of any planet in a debilitated sign cannot be cancelled as always. तो कभी कभी ऐसा होता है cancellation नहीं होता, उसका Neech Bhang नहीं होता. तो वो राजयोग नहीं बना। राजयोग का मतलब है प्लैनेट नीच का हो और वो नीच भंग हो जाए। अब नीच भंग होता कैसे, सीधा हम उस पे जाते हैं क्योंकि ये तो मैंने सारा लिखा हुआ है ताकि आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। अब पहली कंडीशन बता रहा हूं नीच भंग होने की, ये छह कंडीशन है, पांच से छह कंडीशन है, इसको समझ लो ध्यान से। एक बार समझ लोगे तो घर पर प्रैक्टिस करना, चीजें आ जाएंगी और जीवन भर लगेगा ये हर कुंडली, क्योंकि कोई कुंडली ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई एक आध प्लैनेट आपको नीच का ना मिले। एज पर वन ऑफ द कंडीशन तो पहली कंडीशन है इफ ए प्लैनेट इज पोस्टेड इन इट्स डेबिलिटेटेड साइन इन ए कुंडली एंड द रूलिंग लॉर्ड ऑफ दैट साइन इज प्लेस्ड इन केंद्र भाव फ्रॉम साइन वेयर द मून इज पोस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पहला रूल क्या है कि पहले कुंडली में आपका प्लैनेट नीच का होना चाहिए,
दूसरी कंडीशन क्या है नीच भंग होने की? नीच भंग होने की है जो जिस राशि में वो प्लैनेट नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, तो किसी राशि में बैठा होगा, उस राशि का एक स्वामी है। अब उस स्वामी को पकड़ना है आपने, जिसकी राशि में वो प्लैनेट नीच का हुआ है उसके स्वामी को पकड़ना है। क्या पकड़ना है उसके स्वामी को? उसका स्वामी देखे कहां बैठा हुआ है, उसका स्वामी देखे कुंडली में कहां बैठा हुआ है। अब कुंडली में जहां पर आपका चंद्रमा है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या पकड़ना है आपने, पहले देखिए जो आपका नीच का ग्रह है वो किस राशि में है, उस राशि का स्वामी देखे कुंडली के अंदर कहां बैठा है, उसको मार्क कर लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब वो काउंट करना है, अब आप उस कुंडली में देखिए चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से उस राशि स्वामी को देखो, अगर वो केंद्र स्थान पर आता है, यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव आते हैं, तो दैट मींस वो नीच भंग उस प्लेनेट का हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा घुमा फिरा के, लेकिन जब एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम से क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा बता देता हूं कि जो भी कुंडली में प्लेनेट नीच का है, नीच का मतलब क्या है, वो किसी राशि में जाकर नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी देखो कहां पर है कुंडली के अंदर, बस उसको भूल जाओ, जो नीच का हुआ प्लैनेट उसको छोड़ दो। अब जिसकी राशि में जाके जो प्लैनेट नीच का हुआ है उसके राशि स्वामी को देखो कुंडली के अंदर कहां बैठा है, फिर देखो चंद्रमा कहां बैठा हुआ है उस कुंडली में। अब चंद्रमा से काउंट करना है, चंद्रमा को पहला मान लो हाउस, चंद्रमा से वो हाउस स्वामी कुंडली में देखो कहां बैठा है, अगर वो चंद्रमा से गिनने पर 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा है, तो दैट मींस जो प्लेनेट वो नीच का हुआ था उसका नीच भंग हो गया। जैसे इसका नीच भंग होगा तो ये योग कौन सा बन जाएगा, नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लेनेट। अब आपको जो दिख रहा था कि ये नीच का प्लेनेट है, बर्बाद करेगा, नुकसान करेगा, है ना, ये करके जाएगा, बुरे फल देकर जाएगा अपनी दशांतर दशा में, लेकिन पता लगे उसी दशांतर दशा में आप राइज कर रहे हो, क्योंकि वो राजयोग का निर्माण कर दिया उसने कुंडली। कोई ऐसा है जिसको ये रूल समझ ना आया हो? बहुत बढ़िया, मैं यही उम्मीद कर रहा था। और कोई? अच्छा, जिसको समझ में आया वो बता दिए, बाकी तो मैं मान गया। तू तो कैसे समझदार है यार, ही मत कर, मैं समझ लेता तेरे को क्या चीज समझ में आती है क्या नहीं आती। हाँ जी, और कोई सज्जन रोहन के अलावा जिसको समझ में आ गया हो उसको समझाना पड़ेगा मुझे फिर अभी। हाँ जी बताइए सर, पहले तो देखेंगे कुंडली में प्लैनेट नीच कौन सा है, ठीक है, ठीक है, फिर उसका देखेंगे कि स्वामी जो है वो कहाँ बैठा है। हाँ, उस राशि का स्वामी जहाँ पर वो प्लैनेट नीच का होगा। हाँ जी हाँ जी, फिर देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ बैठा है कुंडली में। हाँ जी, फिर चंद्रमा से हम काउंट करेंगे, हाँ, 1, 4, 7, 10 में अगर वो है, हाँ, तो वो नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। सर एक बार मैं एक्सप्लेन करूँ, शायद मैं समझ पाऊँ। बताओ 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 सर, बताओ बताओ। सबसे पहले आपने कहा कि वो देखो कि वो प्लैनेट नीच है नहीं है, नंबर वन कंडीशन तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ठीक, वो जिस राशि में है, ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे चाहिए रमा जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। आई सेड विक्टी। हाँ जी बोलो बोलो आशीष जी, बोलो बोलो। तो वो जो ग्रह है वो जिस राशि में बैठा है वो उससे उसका मून एक उसका एक, स्वामी सर आप ये एक्सप्लेन करो दोबारा से। ठीक है, मैं कर देता सर, कोई एग्जांपल कुंडली दे दीजिए। एग्जांपल ही दे रहा हूँ सर, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं।
एग्जाम्पल कोई मैं अच्छे वाला ढूंढ रहा हूं। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा प्लेनेट, आशीष जी बताओ कौन सा प्लेनेट नीच का है इस कुंडली में, कोई और नहीं बोलेगा। इसके बाद तैयार रहिए, मैं किसी और से भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आशीष बताइए इस कुंडली के अंदर नीच का ग्रह कौन सा है। अब इसके लिए ना आपको सारे नीच उच्च पता होने चाहिए, इसलिए वो पहले स्लाइड दी गई है आपको, पहले पढ़ा दिया गया है कि भैया जान लो पहले नीच के प्लेनेट किस में होते हैं, उच्च के प्लेनेट किस में होते हैं। नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात। अब हमारे साथ हैं, हम अभी और कौन है, ईश्वर, ईश्वर सरन जी। जी सर बताइए, चंद्रमा सर नीच का है, चंद्रमा नीच का है सर, चंद्रमा नीच का है, बहुत बढ़िया। अब ललित जी बोलेंगे, ललित जी सर आवाज आवाज कट रही है। हेलो ललित जी, ठीक है बताइए ललित जी। सबसे पहले कंडीशन क्या थी नीच बंक की, कोई एक प्लैनेट नीच का होना चाहिए, तो इस कुंडली में कौन सा प्लैनेट नीच का है, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी अनम्यूट ही हूँ सर मैं। हाँ बताइए कौन सा प्लैनेट नीच का है इस कुंडली में। स्कॉर्पियो मून बैठा है वृश्चिक में, एक ललित जी, ललित जी को बताया मैंने, ललित जी से पूछा था, ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट तो करो। मैं सभी टिप्स पे नहीं हूं, कोई बात नहीं। सोनल शर्मा, सोनल शर्मा अपने आपको अनम्यूट करो, बता बेटा कौन सा प्लैनेट नीच का है इसमें कुंडली में। तो इसमें मून स्कॉर्पियो में बैठा है, तो मून नीच का होगा। नीच का हो गया, सबसे पहली बात क्या, नीच भंग राजयोग के लिए क्या है, कोई भी एक प्लैनेट नीच का होना चाहिए। तो इस कुंडली के अंदर जो आपके सामने कुंडली शो कर रहा हूं मैं, उसके अंदर जो चंद्रमा है वो नीच का बैठा हुआ है। अब इसका भंग होगा या नहीं होगा ये बताइए, भंग होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी, आप सुन लीजिए सारे सारे। हाँ बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं समझाता हूँ। मून से केंद्र स्थान पे होना चाहिए, तो वो मून खुद ही है, तो मून से कौन केंद्र स्थान में होना चाहिए, वो प्लैनेट का नहीं, स्वामी, वो राशि का स्वामी। हाँ जहां पर जिस राशि के अंदर जो, जिस राशि के अंदर जो प्लैनेट नीच का बैठा है उस राशि हाँ। का स्वामी को देखना है, चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भाव में अगर हो तो नीच भंग हो जाता है। जैसे यहाँ स्कॉर्पियो का स्वामी मंगल है। हाँ स्कॉर्पियो का स्वामी मंगल है, स्कॉर्पियो का स्वामी मंगल है। Yes, sir. अब तो मंगल देखना है, मंगल चंद्रमा से कहाँ कौन से घर में बैठा है, उसके साथ ही बैठा। क्या कौन से घर में आ गया, पहले घर में आ गया, पहले घर में तो नीच भंग हो गया, तो नीच भंग हो गया क्योंकि केंद्र में आ गया। Yes, sir. आया समझ। Yes, sir. अगर ये चंद्रमा, अगर ये मंगल चंद्रमा से यहाँ पर बैठा होता तब भी भंग हो जाता क्योंकि चंद्रमा से फोर्थ हाउस में चला जाता, यहाँ बैठा होता तब भी भंग हो जाता क्योंकि चंद्रमा से सातवें घर में चला जाता, यहाँ बैठा होता तब भी इसका नीच भंग हो जाता। अगर मंगल यहाँ बैठा होता तब भी चंद्रमा से दसवें घर में होता। दैट मीन्स सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो प्लैनेट नीच का है, जिस राशि में जाके वो नीच का हुआ है, उसका लॉर्ड देखो अगर वो चंद्रमा से केंद्र में हो, मुझे 1, 4, 7, 10 नहीं बोलने पड़ेंगे, इसलिए पहले सिखा दिया कि केंद्र भाव कौन से होते हैं, केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10। तो जहां चंद्रमा बैठा है वहां से उसका लॉर्ड देख लो, अगर केंद्र में आ जाता है तो दैट मींस उस प्लेनेट का जो नीच हुआ है उसका नीच भंग हो गया। आगे समझ में? Yes, sir. अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया तो समझ सकता है, क्योंकि अगर अभी समझ नहीं आया तो जीवन में समझ नहीं आएगा। फिर कोई एक ऐसा है हमारे बीच में जिसको ये वाला रूल नहीं समझ में आया हो तो बेझिझक, कोई शर्माने की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला रूल था हमारा, अभी आप दूसरा रूल सीखते हैं। दूसरा रूल क्या है,
अकॉर्डिंग टू अनदर रूल, क्योंकि भंग पांच तरीकों से होता है, तो पहला रूल हमने सिखा दिया आपको। अब दूसरा रूल क्या है, व्हेन ए प्लैनेट इज सिचुएटेड इन ए डब्लेटेड साइन, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले वो जो प्लैनेट है वो नीच का बैठा हुआ हो, एंड द उच्च नाथ, उच्च नाथ, उच्च नाथ का मतलब क्या है को बताएगा, उच्च नाथ का मतलब क्या है? लिखा हुआ है उच्च नाथ कौन होता है, ए प्लैनेट पोजिशनड इन इट्स एग्जॉल्टेड साइन इन एन एग्जॉल्टेड स्टेट, तो उच्च नाथ होता है। मतलब जिस राशि में जो प्लैनेट नीच का है उसी राशि में कोई ना कोई प्लैनेट उच्च का भी होता है। जिस राशि में कोई एक प्लैनेट नीच का होता है उसी राशि में कोई ना कोई प्लैनेट उच्च का भी होता है, ठीक है? तो आपने पढ़े नहीं है उच्च और नीचे ढंग से, तो अब मैं कैसे समझाऊं ये बताओ। इसलिए बोला गया है कि सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, जो पुरानी चीजें है ना, उच्च किसमें होता है, नीच किसमें है, दृष्टियां संबंध कैसे बनती है, ठीक है, और मित्र कौन है शत्रु कौन है, ये सब चीज याद करनी पड़ेगी। देखो इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब मैं ये तो ना सिखाऊंगा बार बार कि भैया ये उच्च है ये नीच है, तो आपको करना पड़ेगा, वरना तो कोर्स लटकता ही रहेगा हमारा। अकॉर्डिंग टू अनदर रूल व्हेन ए प्लैनेट इज सिचुएटेड इन ए डब्लेटेड साइन एंड द उच्च नाथ ऑफ दैट साइन इज सिटेड इन द केंद्र साइन फ्रॉम मून, देन द नीच भंग राजयोग इज फॉर्म्ड। अब ये भी आपको सिखाता हूं, रुको सर। सर फॉर एग्जाम्पल जैसे वीनस है। अरे भैया एग्जाम्पल की बात है, मैं दिखा रहा हूँ भाई, मैं दिखा रहा हूँ, अगर तेरे को रूल समझ में आ गया तो बता दे। सर एक चीज तो हाँ, मैं एक मेरे को समझ आ गया, बस कंफ्यूजन हल्की सी है। सर लेट से कि वीनस वर्गो में बैठा हुआ है, ठीक है, वो तो नीच का हो गया, ठीक है। अब वो बैठा हुआ है वर्गो में, तो उस कुंडली में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो मैं जुपिटर पर, जुपिटर बैठा हुआ है कैंसर में, तो मुझे मून से देखना है कि जुपिटर केंद्र में है या नहीं। भाई मेरे ये रूल पहले आप ढंग से पढ़ो, रूल क्या कह रहा है वाले में, रूल ये कह रहा है, दूसरे वाला रूल ये कह रहा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना आप अपने एंड पे, नोट्स तैयार किए गए हैं वो आपके लिए घर पे पढ़ने के लिए है, मेरे को यहाँ समझाने के लिए नहीं है, यहाँ मैं बड़ा इजी ढंग से समझा रहा हूँ आपको। मेरे को सर सेकंड कंडीशन नहीं समझ आई। हाँ भाई आ जाएगी शाम के सेकंड। नहीं नहीं सर, सेकंड जो आपने लॉजिक बताया ना कि इससे नीच भंग होगा, तो आपने इस नीच भंग में एक चीज बोली है कि एग्जॉल्टेड, तो मुझे वो पार्ट नहीं समझ आया कि कौन सा साइन एग्जॉल्टेड, बस उतना नहीं समझ आया। वही तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ यार, वही तो मैं बैठा हूँ भाई, यही समझा रहा हूँ बैठा के। सिंपल लॉजिक समझो, पहला रूल समझ में आ गया, अब दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल के लिए भी कंडीशन ये कि पहले प्लैनेट नीच का हो, पहली कंडीशन। जिस राशि में कोई एक प्लैनेट जाके नीच का होता है उसी साइन के अंदर कोई ना कोई प्लैनेट उच्च का भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य कहां नीच का होता है, तुला राशि में, नीच का, तुला राशि में, तुला राशि और कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, शनि। तो इसी तरह से हर राशि में जो प्लैनेट उच्च का होता है, मतलब नीच का होता है, उसमें कोई ना कोई प्लैनेट उच्च का भी होता है उसी राशि में। ये बात समझ में आ गई? ये बात सबको आ गई होगी कि अगर कोई प्लैनेट किसी राशि में नीच का है उसमें कोई ना कोई एक प्लैनेट जरूर उच्च का होता है उस राशि में, ठीक है। अब कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है पीछे से। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट नीच का बैठ गया, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैं एग्जांपल देख लेता हूं, रुको पहले एग्जांपल अगर होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ
मैं भेज दूँ सर। ठीक है मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब ये कुंडली देखिए, ये कुंडली देखिए, अब इस कुंडली में कौन सा प्लैनेट नीच का है ये कौन बताएगा? जिनको आता है वो नहीं बताएंगे, मैं पूछता हूं जरा। सर मैं बता देता हूँ सर। चलो आप बता दो, बता दो, आप बता दो सर। इसमें जो है ना जो सैचन जो है जो सर दसवां है मकर राशि का, जुपिटर सर इसमें नीच का हो गया सर। जुपिटर नीच का हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है अभी देखिए, देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, जिनको अगर ये भी नहीं अब तक समझ में आया कि उच्च राशि उच्च का कहाँ होता है प्लैनेट नीच का कहाँ होता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है क्योंकि कोर्स तो आगे बढ़ता चला जाएगा। और मैं अभी तक तो बता रहा हूँ क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, अब नया सेशन जब हमारा स्टार्ट होगा दो तीन क्लास के बाद, तो उसमें मैं हर चीज नहीं बताऊंगा कि ये नीच का इसलिए हुआ है, तो थोड़ा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये देखिए सिर्फ यही तो है, जीवन भर ये उच्च नीच चलते रहेंगे आपके, जितना मैंने पढ़ाया है ना सिर्फ बेसिक में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बाय हार्ट जिसने एक टिप्स पे कर ली है वो ज्योतिषी अच्छा बन जाएगा, बस ये समझ लो। बाकी तो चीजें चलती रहेंगी जीवन भर, लेकिन ये चीज अभी अगर याद हो गई तो होगी, अगर अभी भी याद नहीं हुई तो जीवन भर याद नहीं होंगी आपके, ये भी बता दूं मैं आपको। तो इसलिए भैया लग के कर लो, उच्च नीच याद कर लो, फ्रेंड एनिमी कौन है सब याद कर लो। अब इस कुंडली में जैसे देखा हमने जुपिटर नीच का है, ठीक है, अब नीच का है तो भाई इसमें चांसेस है कि नीच भंग राजयोग बन जाए, क्योंकि जब नीच का ही नहीं होगा प्लैनेट तो राजयोग कहां से बनेगा। तो नीच भंग नीच राज नीच का प्लैनेट है जुपिटर। हमारा जो सेकंड नंबर का रूल है वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि जो प्लैनेट नीच का है उसी राशि में कोई प्लैनेट उच्च का भी होगा। अब दसवीं राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है? मंगल सर उच्च का हो गया। मंगल, रूल समझ लो सारे सारे, मंगल सर उच्च का हो गया। रूल समझ लो कि जुपिटर इस कुंडली में नीच का है, अब किस राशि में, मकर राशि में, जुपिटर नीच का होता है बैठा हुआ है जी कुंडली के अंदर। अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मकर राशि में उच्च का होता है, वो है मंगल। अब आपने मंगल को पकड़ना है, क्या पकड़ना है कि अगर मंगल चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो ये वो जुपिटर जो नीच का है उसका नीच भंग हो जाएगा। अब इस कुंडली में देख लीजिए जुपिटर क्या है, नीच का है, इस राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, मंगल। मंगल कहां बैठा है, दसवें घर में। अब ये देखिए चंद्रमा से क्या ये मंगल केंद्र में है? बिल्कुल है। चंद्रमा से मंगल केंद्र स्थान में है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, वहीं बैठा उसके साथ, पहले घर में बैठा है। तो दैट मीन इस जुपिटर का नीच भंग हो गया। अब कोई ऐसा सज्जन हो जिसको दूसरा रूल समझ ना आया तो बात कर सकता है। दोनों सेम है, पहले वाले में क्या लिया था हमने, उसका लॉर्ड ले लिया था, उसका लॉर्ड देखा था कि चंद्रमा से केंद्र में तो नहीं बैठा, उस राशि का लॉर्ड जिसमें नीच का हुआ है। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, उस राशि में जो प्लैनेट उच्च का होता है, हमने अब उसको पकड़ लिया, कंडीशन सेम है कि वो भी अगर चंद्रमा से केंद्र में है तो उस प्लेनेट का जो नीच हुआ है वो नीच भंग हो गया। कोई ऐसा सज्जन जिसको दूसरा रूल समझ ना आया हो अभी डिस्कस कर सकता है, शर्माने की कोई बात नहीं है, मेरे से 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, लेकिन समझ आना चाहिए क्योंकि ये छूट गया तो जीवन में आगे समझ नहीं आएगा कभी भी। और जब कुंडली आती है ना तो इतना टाइम नहीं लगाना होता, ये तो अभी एक चीज देख रहे हो, ऐसी 50 चीज देखनी होती है और कुंडली को देखकर 5 मिनट के अंदर आंसर भी देना होता है, ये नहीं कि उसको बैठा सर। इसमें मरकरी भी आपका डेबिलिटेड है ना? हाँ जी सर, इसमें हाँ मरकरी भी डेबिलिटेड है ना? बिल्कुल मरकरी, मरकरी वो भी डेबिलिटेड है, बिल्कुल। देखे किसने पकड़ा, अभी ये होती है चीजें बाहर की नजर। अब इस कुंडली में मरकरी भी डेबिलिटेड है, अब यहाँ जुपिटर ने तो नीच भंग राजयोग बना लिया। अब बताइए जो दो रूल अब तक बताए हैं मैंने, क्या ये मरकरी नीच भंग राजयोग बना रहा है? पाइसेस में सर वीनस, वीनस जो है सर केंद्र में नहीं आ रहा है। नहीं सर। हेलो सर, चंद्रमा से सर वीनस केंद्र में नहीं आ रहा। ठीक है सर, वीनस जो आ रहा है 5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब नीच भंग नहीं बना। ठीक है,
लेकिन सर, पहले वाला पहले वाला रूल लग रहा है। हेलो, जो पहले वाला रूल था सर वो पहले वाला बन गया सर, बन गया ना फर्स्ट वाला सर। हाँ जी, अच्छे बन गया सर, फर्स्ट वाला बन गया ना। तो इस कुंडली में दो नीच भंग राजयोग हैं, और आप बोलोगे, अगर आपको भंग नहीं पता, आप बोलोगे भाई तेरी तो बैंड बज गई, तेरा तो जुपिटर नीच का हो गया, तेरा तो मरकरी नीच का हो गया, तेरी तो बुद्धि नीच की हो गई, तेरा तो गुरु नीच का हो गया, तो क्या करेगा जीवन में? ठीक है, ये नहीं पता, इन नीच के प्लैनेट ने राजयोग बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। अब तीसरा 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 तरीका हमारा भंग होने का, अनदर रूल, प्लैनेट इज इन डेबिलिटेड साइन, वो तो सब में लगेगा कि भाई प्लैनेट नीच का होना चाहिए, एंड द रूलिंग लॉर्ड ऑफ दैट साइन इज पोजिशन इन द केंद्र हाउस, दैट इज फर्स्ट कुंडली सोम लगन। अब जो हमने पहले बताया था, सबसे पहला रूल क्या था हमारा, कि जो प्लैनेट नीच का जिस राशि में हुआ है उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होता है। इस तरह से अब यहां चंद्रमा नहीं लेना आपको, अब आपने लगन लेना है कि अगर वो प्लैनेट लगन से केंद्र में हो तब भी नीच भंग हो जाएगा। जिस तरह हमने चंद्रमा से केंद्र में लिया था ना लॉर्ड, अगर वो लगन से भी केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का रूल लगाएंगे अब हम इसी कुंडली में। इस कुंडली में कोई क्या है, जुपिटर नीच का है। ठीक है, अब इसका लॉर्ड कौन होता है, जिस राशि में जुपिटर बैठा है उसका लॉर्ड कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? केंद्र में, केंद्र में, टेंथ हाउस में। तो जब लगन से काउंट करते हैं, लगन से केंद्र में आ गया ना। हाँ जी सर। तो तीसरे नंबर के रूल से भी ये क्या हो रहा है, नीच भंग इस जुपिटर का हो रहा है। सिंपल है, जैसे चंद्रमा से लगाया था ऐसे ही लगन से लगाना है हमें। अब चौथी कंडीशन क्या है नीच भंग होने की, एज पर अनदर कंडीशन व्हेन ए प्लैनेट इज डेबिलिटेड इन ए साइन एंड उच्च नाथ ऑफ दैट डेबिलिटेड साइन इज प्लेस इन केंद्र फ्रॉम लग्ना। अब जैसे हमने उच्च नाथ देखा था चंद्रमा से, इसी तरह हमने देखना उस उच्च के प्लैनेट को, कहां से देखना है, लगन से देखना है अब हमें। अब जैसे इस कुंडली में देखिए, आप इसी कुंडली में देखिए, इस कुंडली में क्या देखा था हमने पहले, कि जुपिटर किस में राशि में बैठा है, दसवीं राशि में। दसवीं राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, मंगल। ठीक है, अब इस मंगल को देखना, मंगल कहां बैठा है, टेंथ हाउस में। लगन से अगर हम गिनते हैं तो ये केंद्र स्थान आ जाता है। ठीक है, तो दैट मीन ये चौथे तरीके से भी हमारा नीच भंग हो रहा है। जैसे हमने मून से लगाया था पहले दो में, ऐसे ही अगले दो जो हमारे वो लगेंगे लगन से केंद्र में। अब से पहले हमने क्या देखा था, चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से केंद्र गिनो, या फिर देखा लगन से केंद्र में देखो। तो अगर वो केंद्र स्थान में आ जाता है प्लैनेट, तो दैट मीन वो भी नीच भंग उस प्लैनेट का कर देता है। अब अगला रूल है हमारा, व्हेन ए प्लैनेट इज पोजिशन इन ए डेबिलिटेड साइन एंड द रूलिंग प्लैनेट of that debilitating sign is aspecting its exalted sign, then नीच भंग राजयोग is formed. क्या ruling planet of that debilitated sign, ruling planet of that debilitated sign is aspecting its exalted sign. ठीक है, अब ये पांचवें नंबर का रूल क्या कह रहा है हमारा, वो ये कह रहा है कि जो प्लैनेट नीच का है, जो प्लैनेट नीच का है, हेलो सर, सर सर हाँ जी, चौथा मैडम वही था जैसे हमने मुंह से केंद्र में देखा था। एक बार रिपीट कर दीजिए,
जैसे जैसे हमने देखा था आपकी आवाज गई, अच्छा लगन से केंद्र में, वो लगन से केंद्र में, लगन से केंद्र में सर आपकी आवाज बिल्कुल, हाँ जी हाँ ठीक है सर ठीक है सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई सर, आ रहा हूँ प्रवीण जी, आ रहा हूँ सर दोबारा बता रहा हूँ ठीक है सर। पांचवें नंबर का रूल क्या हमारा कि जो प्लैनेट नीच का हमारा है, ठीक है, जो प्लैनेट नीच का जिस राशि में है उसके स्वामी को देखो, उसका जो लॉर्ड है उस राशि का लॉर्ड, उस राशि का लॉर्ड अगर अपने दृष्टि से अपनी उच्च की राशि को देख ले, अपनी उच्च की राशि को देख ले तो भी नीच भंग हो जाता है। सर इसमें अगर उच्च का प्लैनेट को देखता है तो भी हो जाएगा? अभी आ रहा हूं सर, उस पर भी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, वो भी हो रहा है। अच्छा, वो भी होता है, वो भी होता है। पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ना, अभी शनि नीच का नहीं है ना तुम्हारा, अभी मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। तुला में मैं देख रहा हूं कि कोई सा ऐसा हमें चार्ट मिल जाए जिसमें ये वाला रूल लग जाए। पीछे से ना प्लीज म्यूट कर दीजिए सब लोगों का, ना कोई किचन में काम कर रहा है और बहुत डिस्टरबेंस हो रही है भाई, म्यूट कर लो यार अपने आप को भाई, मुझे भी खाना बनाना जाके भाई, जल्दी क्लास खत्म करनी है, ऐसा मत करो, किचन की याद मत दिलाओ यार। प्लीज म्यूट कर लीजिए, अभी भी आवाज आ रही है किसी करछी की। कौन ऐसा डेडिकेटली बंदा है अपने हमारे साथ यार, बड़ा उसको अप्रिशिएट करो कि तुमने खाना बनाते हुए कोई हमसे मतलब ज्योति सीख रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। चंद्रमा मंगल 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 कहाँ पर बैठा है? मंगल यहीं पर बैठा है और ये मंगल अपने उच्च की राशि को नहीं देख रहा, ठीक है। कोई मैं देख रहा हूँ कि कोई कुंडली ऐसी मिल जाए जिसको मैं पांचों रूल आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं। चलो मैं इस एग्जांपल से समझा देता हूं, वैसे यहां पर लग नहीं रहा लेकिन मैं समझा देता हूं। हमारा पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल ये है कि जो प्लेनेट जिस राशि में नीच का बैठा है, जैसे जुपिटर यहां नीच का बैठा है मकर राशि में, ठीक है। अब इसका जो लॉर्ड है वो कौन है? शनि। अब हमारा पांचवा रूल ये है कि अगर शनि इस कुंडली में अपने उच्च के साइन को दृष्टि संबंध बना लेता तो हम क्या बोलते कि ये अच्छा बन रहा है, इसमें बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसमें बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। हमारा रूल की रूल कैसा बनेगा, ये वाला पांचवा रूल कि जो प्लैनेट नीच का है, यानी कि इस कुंडली में जुपिटर नीच का है, किस साइन में है? शनि की राशि में। तो शनि को देखो, शनि देखो कुंडली के अंदर कहां बैठा है। अगर ये शनि जिस राशि में ये उच्च का होता है अगर उस राशि को देख ले तो भी नीच भंग हो जाएगा। अब हमने क्या देखा? शनि, शनि को देखो, शनि कहां बैठा है? दसवीं घर में। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तो हेलो, आ रही आवाज? आ रही आवाज? हाँ। तो इस शनि को देखो, इस शनि को देखो, अगर ये शनि कौन सी राशि में उच्च का होता है? शनि तुला राशि में। तुला राशि में अगर ये शनि तुला राशि को देख ले तो भी नीच भंग हो जाएगा। एक दो तीन चार पांच दस नंबर छह सात आठ नौ दस, हाँ जी आ गया जी, ठीक है। शनि अपनी दसवीं दृष्टि से, शनि अपनी दसवीं दृष्टि से सातवें घर को देखता है और सातवें घर में तुला राशि है। पांचवें नंबर का रूल क्या कहता है कि जिस राशि में जो प्लैनेट नीच का है उसका स्वामी को देखो, अगर वो अपने उच्च की जिसमें वो उच्च का होता है, जिस राशि में वो उच्च का होता है अगर वो उससे दृष्टि संबंध बना ले तो उसका जो नीच भंग है वो कैंसिलेशन हो जाता है, वो भंग हो जाता है, ठीक है जी। अगर किसी को ये समझ ना आया हो तो पूछ सकता है, क्योंकि बड़े मतलब ये चार्ट बड़े ध्यान से निकाले गए हैं,
ऐसे ढूंढ के लेकर आने पड़े हैं कि जिसमें मैक्सिमम रोल रूल लग जाए। एक मिनट देखो, जरा पानी ले आऊं मैं। हाँ जी, समझ में आ गया। पांचवा रूल अगर किसी समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है बीबी। ऐसा कोई सज्जन हमारे बीच में हो जिसको पांचवा रूल समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी। चलो उम्मीद कर रहा हूं फिर सभी को समझ में आ गया, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है। थोड़े दिमाग लगा के याद करने पड़ेंगे। अगर नीचभंग सर, अगर नीचभंग, हाँ बोल 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 भाई बोल। हेलो, हाँ बोलो बोलो। नीचभंग राजयोग बन जाएगा तो मतलब नीच का प्लैनेट तो खत्म हो गया, बट इसके इफेक्ट्स और अच्छे हो जाएंगे उस बंदे के। अच्छे अभी बता रहा हूँ ना सर, अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। यही तो बोला है कि वो प्लैनेट बहुत की प्लैनेट हो गया आपकी लाइफ का। अब छठा रूल क्या है, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हेन ए प्लैनेट इज रेवलेटेड स्टेट इन ए साइन द प्लैनेट विच कम्स एग्जॉल्टेड इन दैट सेम साइन इज पोजिशन इन एंगल और केंद्र हाउस फ्रॉम मून देन नीच भंग राजयोग इज फॉर्म्ड। ये हम पहले बता चुके हैं कि जो प्लैनेट जिस राशि में नीच का है और कोई प्लैनेट जो उसमें उच्च का होता है अगर वो केंद्र में आ जाए, ये रिपीट है ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है एंगुलर, इसमें एंगुलर एड हो गया। एंगुलर का मतलब बताएगा कोई, त्रिकोण। जैसे हमने अभी पीछे देखा केंद्र में, मतलब केंद्र में आए 1, 4, 7, 10, इस तरह 1, 5, 9 में भी आ जाए जो प्लैनेट उसमें उच्च का होता है तो भी राजयोग नीच भंग राजयोग बन जाता है। द प्लैनेट सर लगन से या चंद्रमा से? मैडम चंद्रमा से, चंद्रमा से बोल रहा है, लिखा है ना फ्रॉम मून। ठीक है सर, ठीक है सर, सिंपल है, बिल्कुल पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जिसको पांच रूल समझ में आ गया ना उसका आगे वाले अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। अब इसी तरह से हमने लगाना लगन से, जो अभी चंद्रमा से लगाया ना वही चीज लगन से लगानी है। क्या लगाना है कि जो कोई भी प्लैनेट नीच का है, जिस राशि में जो प्लैनेट नीच का हो रहा है उसमें कोई प्लैनेट उच्च का तो होता होगा, उस प्लैनेट को देखो, उस वो प्लैनेट चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण में आ जाए या लगन से केंद्र त्रिकोण में आ जाए तब भी उसका नीच भंग हो जाता है ठीक है। अब अगला नीच भंग क्या है, द नीच भंग राजयोग इज फॉर्म्ड व्हेन ए प्लैनेट इज पोजिशन इन इट्स डेबिलिटेटेड स्टेट इन साइन एंड एनी प्लैनेट इज इन इट्स एग्जॉल्टेड स्टेट इन द सेम साइन। अब इसमें बात वही बोली गई है कि मान लीजिए जैसे कि हमारा जो सातवें या आठ नंबर का जो भी रूल, ये रूल है हमारा, ये कैसे है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए जुपिटर क्या है इसमें नीच का हो गया दसवीं राशि में। अब दसवीं राशि में जो प्लैनेट उच्च का होता है वो है मंगल, अगर वो उसके साथ ही बैठ जाए तो भी नीच भंग कर देगा। अब हमें ना चंद्रमा से देखना ना लगन से देखना, हमें सिंपल देखना है कोई प्लैनेट नीच का है ठीक है, अगर वहां पर कोई प्लैनेट उच्च का बैठ जाए तो क्या होगा, उसका नीच भंग कर देगा। अब क्या जुपिटर यहां नीच का था, लेकिन क्या है इसी राशि में मंगल उच्च का होता है तो मंगल भी यहीं बैठा हुआ इसी घर में, दसवें घर के अंदर बैठा हुआ, तो मंगल क्या करेगा इस नीच को भंग कर देगा क्योंकि इसमें यहां पर उच्च का मंगल बैठा हुआ है ठीक है। ये समझ में आया किसी को, ये ना आया तो फिर पूछ सकता है कोई भी कि जिस साइन के अंदर जो प्लैनेट नीच का है उसमें अगर जो उस साइन के अंदर जो प्लैनेट उच्च का होता है अगर वो वहीं साथ बैठ जाएगा तो भी नीच भंग कर देगा ठीक है। और इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा क्या है साथ बैठ जाए, या अगर ये प्लैनेट इस घर से दृष्टि संबंध बना लेता तो भी नीच भंग कर देता ठीक है। शायद अगला रूल यही होगा।
अगला रूल वही था। अब एक और बनता है, बस एक लास्ट है, मतलब ये नीच भंग नहीं है लेकिन एक तरीका है देखने का कि मान लीजिए अभी नवांश चार्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि नवांश कैसे बनता है और नवांश होता क्या, मैंने समझाया नहीं है, तो इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन आपने कुंड सुना होगा, D9 या नवांश कुछ ना कुछ सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए कि एक नवांश चार्ट बनता है। नवांश चार्ट का मतलब क्या है, जो कुंडली का सातवां घर है ठीक है, उस घर को मैंने इनलार्ज कर दिया, मैं उसको टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ ठीक है, उसको इनलार्ज करके देख रहा हूँ, यानी कि सातवें घर को मैंने और बड़ा कर दिया और उसके 12 खाने बना दिए। अब मैं उसको अंदर से देखना चाह रहा हूँ कि कैसा है। पहली बात तो सातवें घर का नवांश का मतलब होता है सातवें घर को एनलार्ज कर देखना, पहली बात। दूसरी बात, नवांश इसलिए भी चेक किया जाता है कि कई बार क्या होता है, जैसे हम इंसान की ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, हम क्या घर में कुछ और होते हैं और आउटर वर्ल्ड में कुछ और होते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। जिस तरह हर इंसान की ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, कैसे पर्सनैलिटी ड्यूअल होती है कि आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ हो, और हर इंसान ऐसा होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ठीक है ना। तो इसी तरह से जो प्लैनेट हैं वो, उनकी भी दो क्वालिटी होती है, एक तो जैसे दिख रहे हैं सामने, एक वो अंदर से कैसे हैं। तो जो D1 चार्ट यानी कि लगन चार्ट जो दिखाता है, वो दिखाता है प्लैनेट ऊपर से कैसे हैं, लेकिन जब नवांश चार्ट हम देखते हैं तो वहां से हमें पता लगता है एक्चुअल में वो अंदर से कैसा है, कि जो दिख रहा है वही है या कुछ अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कोई चार्ट आपकी कुंडली में, आपकी आपकी कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट लगन चार्ट के अंदर उच्च का बैठा है ठीक है, आपको लगे भाई उच्च का प्लैनेट है, मजा आ गया ये तो। लेकिन अगर वो प्लैनेट नवांश चार्ट में नीच का हो जाए तो वो ऐसा प्लैनेट है ठीक है कि भाई दिख उच्च का रहा है लेकिन वो अंदर से नीच का है, यानी कि वो किसी काम नहीं आने वाला, दिखावे के लिए प्लैनेट है वो उच्च का। तो एक्चुअल में जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखी जाती है, एक्चुअल में प्लैनेट कैसा है वो कहां से देखी जाएगी, वो नवांश से देखी जाती है, नवांश से देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई प्लैनेट अगर मान लीजिए कुंडली में नीच का है आपका D1 चार्ट में, अब उसको उसी प्लैनेट को नवांश चार्ट में देखो, अगर वो वहां पर उच्च का हो गया ठीक है तो भी हम बोलेंगे कि ये प्लैनेट उसका नीच भंग हो गया, यानी कि नीच का नहीं रहा वो दिख रहा है नीच का, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो निकल कर आ जाएगा, अपने 100% रिजल्ट देगा वो, क्योंकि वो एक्चुअल में उच्च का है। और वाइस वर्सा भी है कि मान ली कोई प्लैनेट आपका D1 चार्ट में उच्च का है लेकिन अगर नवांश में जाकर वो नीच का हो गया तो दिख अच्छा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना दिखावे के, जैसे आपके दोस्त है, आप बड़ा बिलीव कर रहे हो कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है ठीक है ना, मुसीबत में काम आएगा, लेकिन एक्चुअल में जब मुसीबत आई आपके, पता लगे वो गायब ही हो गया, सबसे पहले वही भागा वहां से ठीक है। तो इसी तरह से प्लैनेट को हमें जज करना पड़ता है कि प्लैनेट दिखने में कैसा है और अंदर से कैसा है। तो D1 और नवांश चार्ट को हम दोनों को देखकर बताते हैं कि प्लैनेट जैसा दिख रहा है वैसे है या नहीं है। तो प्रेडिक्शन इतनी आसान नहीं है, जो लोग सिर्फ D1 चार्ट से प्रेडिक्शन करते हैं ना कि मेरे बारे में बता दो, उसका नवांश चार्ट और भी वर्गा चार्ट देखने पड़ता है, तब जाके पता लगता है कि प्लैनेट बिहेव कैसा करेगा ठीक है। अब मैं कुंडली दिखा दूं पहले आपको। अब ये जो कुंडली है ये देखिए, ये कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की ठीक है ना। अब आपको लग रहा है जी इसका तो चंद्रमा ही नीच का है। अब जिसका चंद्रमा नीच का हो और ऐसे ऐसे बंदे को आप शासन पे बैठा दोगे तो क्या वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा ठीक है, या क्या वो रूल कर पाएगा क्या, जिसका मेंटल लेवल ही नीच का बैठा हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा है भाई नीच का है, लेकिन किसी को ये नहीं पता इसका नीच भंग हो रखा है। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसको मतलब वो मतलब लेना सिर्फ समझाने के लिए है ना, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ प्रोफेशनल लेवल पर आके वो ठीक है, मैं मेरे मन में जो बीजेपी के लिए है या कांग्रेस के लिए, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करूँ, लेकिन मैं कोई चीज समझाता हूँ तो किसी कास्ट कल्चर रीजन या कोई पार्टी का मैं उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए चीज वो यूज कर रहा हूँ। तो नीच भंग का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता होगा जो अपनी बहुजन समाज पार्टी है, किसी को इसका इतिहास पता है, इसका पहले संस्थापक कौन थे बताइए? कांशीराम जी। और ये मायावती जी कहां से आ गई बीच में, मायावती जी कहां से आ गई थी बीच में? इसका हिस्ट्री में इतना कुछ मिलता तो नहीं है,
लेकिन ये जब पार्टी बनाई कांतिराम तो इन्होंने काफी सपोर्ट किया। सर कुछ नहीं दी, मतलब ये सिंपल कार्यकर्ता थी, सिंपल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और दिल्ली के इंद्रपुरी में इसका वो है, एक मकान देख लोगे तो बोलोगे कि क्या है, मतलब 25 गज का 50 गज का मकान था इसका बस, ठीक। अब इसने अब इसका क्या हुआ, ये अब ये मैं भंग बता रहा हूँ कैसे होता है, मतलब इसको पार्टी से या किसी करेक्टर से मत जोड़ना। मैं किसी को ओपनली ऐसा कभी नहीं बोल, मेरी आदत नहीं बोलने के लिए, मैं समझाने के लिए, ताकि जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि मेरे याद है 15 साल पहले मैंने पढ़ा था, मेरे गुरु जी ने समझाया था ऐसी, तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ। क्या हुआ, कांशीराम ने मायावती का नीच भंग कर दिया, मतलब समझ रहे हो कि जो प्लेनेट किसी का भंग करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाती है, यानी कि उसकी पावर उसके अंदर आ गई, तो नीच से कहां उठा दिया एकदम से, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया उसने, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि नीच का प्लेनेट है, अगर कोई इसको भंग कर दे, और कोई भंग भी कौन करे, प्लैनेट भी देखना होता है कि अगर अच्छा प्लैनेट भंग कर देता है, मतलब जुपिटर किसी को कर दे या मंगल किसी को कर दे, पार देगा उसको, चढ़ा देगा बहुत ऊंचाई पर, ठीक है। तो ये भी देखना होता है भंग कर कन कौन रहा है, शनि भंग करेगा तो उस लेवल का मजा नहीं आएगा आपको, जिस लेवल का सूर्य भंग कर दे, ठीक है, वो अपना मंगल भंग कर दे, बृहस्पति भंग कर दे, तो उसकी पावर अलग आएगी आपको। तो भंग का मतलब होता है कि आप नीच स्टेट पर थे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में आ गए, किसी वैसे व्यक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़कर उसने आपको ऊंचाई पर चढ़ा दिया, आपका वजूद नहीं था, आपकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कोई जीवन में ऐसा मिला आपको और उसने हाथ पकड़ा और आप ऊंचाई पर चढ़ गए, बस सिंपल सी बात। अभी देखिए मोदी की कुंडली देखिए आप, अब देखिए मून इसका इनका नीच का है, और जब से इनकी मून की दशा हुई है तब से इनका राइज शुरू हुआ है, जब से इनकी चंद्रमा की दशा शुरू हुई है तब से इनका नेम फेम इनको ग्लोबली वो ही है, जो चंद्रमा की दशा इनको मिली है, इनकी दशा चंद्रमा की 2010 में लगी थी, ठीक है। अब अगर किसी ने नीच भंग ना पढ़ा होता तो कहता भाई नीच के प्लैनेट की दशा शुरू हो गई भाई इसकी, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। और 2010 से ही देखिए क्या पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी है, वैसे तो 2002-03 के बाद ही नाम भी खराब हुआ पीछे, और कितना स्ट्रगल किया है। हमारा पहला रूल क्या था कि अगर प्लेनेट नीच का बैठा है तो लाइफ में स्ट्रगल करके ऊपर आओगे आप, स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत ऑब्स्टेकल आएंगे लाइफ में, तो इनके लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल आए हैं, आपको पता ही होगा सारी, जो जब केंद्र की सरकार यहाँ कांग्रेस की थी तो क्या क्या इनके ऊपर एलिगेशन और ये वो कितने केसेस और ये वो, सीएम होते हुए इनके ऊपर ऐसे ऐसे केस लगा दिए थे इन्होंने कि निकल के कहां से वापसी आए हैं, तो कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए, दंगे हुए, कितना नाम खराब हुआ इनका, ठीक है, मतलब साजिश रची गई इनके खिलाफ, तो बड़े सारे षड्यंत्र हुए और आज भी हो रहे हैं, आपको सभी को पता है, सारी पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि मोदी को हराना है बस, मतलब कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मोदी नहीं आना चाहिए बस, ये मतलब है। तो कितना ऑब्स्टेकल है, कितने दुश्मन हैं इनके, लेकिन विपरीत परिस्थितियों निकल कर आ जाते हैं हर बार निकल के, क्यों, क्योंकि चंद्रमा का नीच भंग हो गया, ठीक है, चंद्रमा का नीच भंग हो रखा है। तो जब से इनका नीच भंग की दशा स्टार्ट हुई है चंद्रमा की, आप देखिए ऊंचाई चढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल, 2010 से ही पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, फिर कहां से, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पीएम के वो होंगे। मेरे को याद है आज भी राजनाथ सिंह जी को मैं एक आध बार पर्सनली मिला हूँ, क्योंकि वो हमारे बिरादरी के थोड़ा क्लोज हैं, तो एक आध फंक्शन में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो उस वक्त में राजनाथ सिंह जी का नाम था सबसे पहले आगे था कि भाई इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम ना लेकर आए, इन्होंने सबसे पहले बंदे ऐसे थे राजनाथ सिंह जी कि इन्होंने मोदी जी का नाम आगे किया था सोशल पार्टी में, क्योंकि अध्यक्ष उस वक्त ये थे राजनाथ सिंह जी, जब इनका नाम आगे किया गया तो राजनाथ सिंह जी ने इनको पीएम बनाया, ये आज भी मानते हैं, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था उनके, उन्होंने ओपनली बोला था कि भाई मेरा नाम सबसे पहले रिकमेंड जो किया गया था वो राजनाथ सिंह जी ने किया था, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, हाँ, सर मान लो कि लगन चार्ट के हिसाब से मेरा नीच भंग हो गया, पर नमान चार्ट के हिसाब से वो जो प्लैनेट है वो फिर से नीच के हैं। हाँ तो भाई आप क्या कर सकता है, तो डेस्टिनी सुना लड़ सकता है। मैं अपना नहीं है, मैं एक एग्जांपल किसी का भी हो, बिल्कुल किसी का तो उस केस में वो फिर परसिस्ट करेगा ना उसका नीच, हाँ, करेगा, क्योंकि योग में कन्वर्ट हो गया ना, वो योग में मतलब फिर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अगर लगन चार्ट में नीच भंग हो गया पर नमांस में अगर है कोई बात नहीं, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर मेरा एक एग्जांपल है, मैं समझ गया, मैं समझ गया तेरी बात, मैं समझ गया। आप कह रहे हो कि वो नीच भंग हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया, क्योंकि जब कोई चीज योग में कन्वर्ट हो जाती है ना, हाँ,
योग में कन्वर्ट हो जाती है तब नीच ऊंच नहीं देखा जाता उसका। बेशक नमाज में जाके वो नीच का है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो राजयोग बनाएगा क्योंकि वो अच्छा, योग, सर, योग में कन्वर्ट हो गया। सर किसी का मान लो कोई प्लैनेट, ठीक है, मान लो वो वहां तो सही प्लेस है जहाँ मतलब D1 में, बट D9 में जाके वो डेबिलेटेड हो गया फिर। अब हो गया ना सर, यही तो सिखाना है आगे। लगन से सब कुछ बताया जा सकता है लेकिन इस स्टेज पर नहीं, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इतनी जल्दी लगन से नहीं बता सकते आप, इसलिए हमें हमारी नॉलेज कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसी वर्गा चार्ट में जाकर देखते हैं कि क्या पोजिशन है। तो चंद्रमा की दशा इनकी 2010 से चली। अब ये वो क्या बना रहा है, नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट है ये चंद्रमा, ठीक है। तो तब से इनकी आप देख ले 2020 तक चली है, तो 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते। अब इसके बाद आ रही है मंगल की दशा इनकी, ठीक है। अब मंगल से नीच भंग हुआ है इनका, मंगल से नीच भंग हुआ है। और इनका मंगल से कौन सा योग बना हुआ था, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, जब पंच महापुरुष योग बताया थे मैंने आपको, मंगल से कौन सा पंच महापुरुष योग बना हुआ है इनकी कुंडली के अंदर, बताओ भाई। ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। रोचक। हाँ जी, रोचक सर, रोचक, 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 रोचक योग, रोचक, नॉट रोचक, रोचक, RUCHK, रोचक योग, ठीक है। पंच महापुरुष योग है बनाया, कौन प्लान बना रहा, मंगल। अब भाई 2020 से इनकी फिर मंगल की दशा शुरू हो गई 7 साल की, तो 2024 में तो आएगा तो मोदी फिर दोबारा से, जो मर्जी कर लो, ठीक है, क्योंकि रुचक योग का निर्माण कर रहा है मंगल। अब ये मंगल की दशा शुरू हो गई इनकी, ठीक है। तो इसलिए देखिए पंच महापुरुष योग महापुरुष बना देगा। अब जितना वर्ल्ड में रिनॉन्ड हो गए हैं, जितना नाम इनका फैल गया है, इनका नाम प्रसिद्धि और फैलने वाली है। महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग बना रहा है मंगल, उसकी दशा शुरू हो गई है, लग्न में बैठा है। लग्नेश वैसे है, ठीक है, लग्नेश अलग से है। ये देखो किसके साथ बैठा है, मून के साथ, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा है। नीच भंग राजयोग का प्लेनेट पंच महापुरुष योग के प्लेनेट के साथ बैठ गया, जो कि लग्नेश भी है। तो भाई 2024 में तो आएगा तो मोदी, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब समझ में आ गया सर? सर इसमें हाँ जी, सर एक चीज बताइए, इसमें जो मोदी जी की कुंडली है इसमें चंद्र मंगल योग भी तो बनता है इसमें? वही तो है रुचक योग। नहीं सर, चंद्र मंगल योग अलग है सर, रुचक योग अलग होता है। चंद्र मंगल कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। जब भी कभी चंद्र मंगल का योग बनता है ना, तो ऐसा व्यक्ति धनी बहुत होता है, मतलब पैसा बहुत कमा लेता है, ठीक है। उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो मिली है ना। हेलो, आवाज कर रही है? हेलो, आवाज गई सर? आ जाएगी सर। हाँ सर, जी सर, रिपीट करें। जब चंद्र मंगल योग बनता है, ये धन योग है, ये भी एक तरह का चंद्र मंगल योग का मतलब है, ये भी धन योग में एक योग बनाता है। जैसे हम धन योग आपको बताए थे 10 तरह के, वो तो होते ही होते हैं, कुछ और भी धन योग बनते हैं। तो चंद्र मंगल का कुंडली में इकट्ठा बैठना भी एक धन योग का निर्माण करता है। लेकिन एक क्लासिकल में एक चीज लिखी गई है, क्या लिखा गया है क्लासिकल में, लिखा गया है कि धनयोग तो जरूर बनाता है, लेकिन ऐसे लोगों का, अब इसको इंटरप्रिटेशन होता है कुछ अलग कर दियो लोगों ने, लेकिन ये लिखा गया है कि उस बच्चे के जिसका चंद्र मंगल का योग बना होगा, उसके अपनी माता से संबंध अच्छे नहीं रहते, उन्होंने ये इंटरप्रेट किया है। लेकिन मैं इसको दूसरे किस्म से देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि हो सकता है कि माँ को बेटे का सुख ना मिले, या बेटे को माँ का सुख ना मिले। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। इसको इस तरह से डिकोड, देखिए बेसिकली क्या है, इस सारे लिटरेचर को ना लोगों ने डिकोड किया है। अब किसी ने प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत कर दिया हो या लिखने में कुछ अलग चीज लगा दी हो, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना चाहिए आपको। सर ये बताओ, इसमें ट्रंप आ रहा है कि नहीं अमेरिका में? हाँ जी, ट्रंप आ रहा है कि नहीं? ट्रंप, मैं समझ नहीं पा रहा मैडम। सर ट्रंप आ रहा है? ट्रंप आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा मैडम, ट्रंप की कुंडली देखेंगे तब बता देंगे आपको ट्रंप आ रहा है। हमें तो मोदी से मतलब है ना मैडम, हमें अमेरिका से क्या लेना देना रह गया, हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। मोदी हाँ जी,
मोदी जी दीर्घायु होंगे, उम्र अच्छी होगी ना इनकी, करियो आपने सबसे पहले तो ये देखो कि लगन कितना मजबूत है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, लगन कुंडली का स्तंभ है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, सारे हाउस एक तरफ और लगन अकेला एक तरफ। मैंने क्या बताया था शुरू में आपको कि जिसका लगन स्ट्रोंग होगा उसकी कुंडली कितनी मर्जी खराब हो, कोई बुरे से बुरे योग बन रहे हो, कोई अच्छा योग बनना रहा हो, तब भी ये सिर्फ अकेला लगन उसके जीवन को पार कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ आएगी, लेकिन फिर भी लड़ लड़के पार कर जाएगा। और सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी होती है लगन स्ट्रोंग होने की, दो ही कंडीशन होती है। पहले क्या कैसे क्या होती है, हर एक के काम आएगा, आपके जीवन भर काम आएगा ये रूल। कोई भी हाउस कब स्ट्रोंग होता है, जब उसका हाउस लॉर्ड या तो वहां बैठ जाए या अपने घर को देख ले, या तो अपने घर में बैठ जाए उस घर का मालिक, या उस घर को दृष्टि संबंध बना ले, तो सबसे अच्छी पोजीशन ये होती है उस घर की, वो घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अभी देखिए लगन इनका, लगन क्या है, खुद का मालिक, इस लगन का मालिक वृश्चिक का मालिक हो ना मंगल, खुद ही बैठा है। अब आप समझो ना, मान ले आपका एक घर है, आपका घर तब से कब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप अपने घर में बैठे हो, अपने घर को नुकसान तो नहीं करोगे भाई, पागल से पागल आदमी अपने घर को आग नहीं लगाता, अपने घर को बचा के चलता है। या आपने आप सामने से अपने घर को देख रहे हो कि भाई मेरे घर में हो क्या रहा है। बिल्कुल, जब कभी भी हर घर के बारे में देखना होता है कि कौन से मेरी कुंडली के अंदर कौन सा घर स्ट्रोंग है, कौन सा घर वीक है, वीक घर से ही परेशानी आएगी, स्ट्रोंग घर से कभी परेशानी नहीं आएगी। जो घर कमजोर होगा उसी घर से जीवन में परेशानी आएंगी आपको, उसी घर से जो चीजें मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी आपको। सर वीक घर में, अगर लेट्स से वीक घर में खुद का साइन बैठा है, ओन साइन, तो मतलब वो परेशानी खत्म हो जाएगी। सर वीक घर में ओन साइन का क्या मतलब हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का फिफ्थ हाउस वीक है, ठीक है सर, हाँ, फिफ्थ हाउस का मालिक मान लो स्कॉर्पियो राशि है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, हाँ, तो वीक कहाँ से हो गया वो, यानी कि वही तो मैं समझा रहा हूँ सर मैं, और हाँ वीक तो बोल रहा भाई तू। नहीं नहीं सर, आपने अभी बोला ना कि अगर उस घर में उसका ओन साइन बैठा होगा, लेट्स से किसी का कोई हाउस खराब है, हाँ, हाउस खराब कैसे है, हाउस खराब कैसे है, मतलब सर कोई सुख नहीं है उस चीज का या कुछ ऐसा है, तो वो तो वर्गा चार्ट में जाके देखना पड़ेगा भाई मेरे, वर्गा चार्ट में देखना पड़ेगा। अभी D1 पे सिर्फ इतना ध्यान दो, जब हम आगे बात करेंगे ना कि ये घर कमजोर है तो आप कैसे पता लगाओगे एक नजर में कमजोर है अच्छा है। अभी योग बनेंगे आगे कि अगर ये घर कमजोर हो और इसको ये देख ले तो ये योग बनता है या ये होने वाला है इसके साथ, तो सिंपल से है, इस स्टेज पर आपने, इस स्टेज पर आपने ये देखना है कि घर अच्छा कब होता है और बुरा कब होता है। मैं बुरा नहीं बता रहा अभी, मैं सिर्फ अच्छा बता रहा हूं कि कोई भी घर स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब उस घर का मालिक या तो वहां बैठ जाए या उस घर से दृष्टि संबंध बना ले, तब वो घर वो हाउस स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ जाता है। और कोई भी घर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये एडवांस लेवल की बात है, किसी भी चीज से इवेंट अगर आपने लेना है, मतलब मान ले सातवें घर से क्या होता है शादी होती है, पांचवें घर से क्या होता है बच्चे होते हैं, दसवें घर से क्या होता है प्रोफेशन होता है, नौवें घर से क्या होता है भाग्य होता है, बारहवें घर से क्या होता है आपके एक्सपेंसिस होते हैं। तो जिस भी घर से जो घर स्ट्रोंग रहेगा उस घर के रिजल्ट आपको मिलेंगे 100% मिलेंगे, ठीक है। मान ले सातवां घर स्ट्रोंग है तो इसका मतलब शादी जरूर होगी। अब वो शादी अच्छी हो, मतलब बीवी सेवा करे या बीवी जूते मारे, वो बात अलग है, शादी हो जाए, क्योंकि सातवें घर का काम सिर्फ शादी कराना है, घर का काम, सिर्फ घर का काम क्या होता है उस इवेंट को दे देना बस। ऐसा पांचवा अगर स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन बच्चे जरूर होंगे। अब बच्चे आपकी सेवा करेंगे या आपके जूते मारेंगे वो बात की बात, बच्चे जरूर होंगे आप, ठीक है। तो आगे वाले टाइम बताएंगे जूते मारेंगे या फिर सेवा करेंगे वो आगे सिखाएंगे आपको। हाँ जी आप बताओ। सिर्फ एक चीज और सर, D1 में लेट्स से एक जो प्लैनेट है वो सही प्लेस है, पर आपने बोला नवांश में अगर वो नीच का हो गया, नवांश खराब हो गया, नवांश के पीछे पड़ा रहेगा। सर आप एक चीज तो सुनो सर, नवांश में अगर उसका नीच भंग योग हो गया फिर
पहली बात, एक और गांठ मार ले आज, आगे मत पूछिए कभी कोई भी योग कभी भी लगन चार्ट के अलावा कहीं नहीं बनता। ठीक है, कोई भी योग हमेशा लगन चार्ट में बनते हैं और कहीं नहीं बनते। ओके, तो ये हमारे एग्जांपल चार्ट थे। अब ये देखिए, ये कुंडली बताइए किसकी कुंडली है, कोई बताएगा? पढ़ना मत, कुंडली कुंडली देखो, किसकी कुंडली है ये? मोदी जी की। अबे यार देख तो लो भाई। नहीं, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है ये। अमिताभ बच्चन, सॉरी। अब इनकी कुंडली में क्या नीच भंग राजयोग बन रहा है? जिसने नहीं बोला वो बोलो यार, तुम तो सारे बोलते रहते हो। कोई ऐसा बंदा हमारे बीच में बताइए कौन? ललित जी ने नहीं बोला आज बिल्कुल भी। ललित जी बोलो यार। चंकी नागपाल, चंकी नागपाल, नागपाल जी कहाँ पर हो? अरे भाई मेरे, ये कहाँ रहता है? रोहन सर ये ना म्यूट करके सुनता रहता है, मेरा ख्याल होता तो है क्लास में, क्योंकि ये ब्रांच में होता है इस टाइम। अच्छा ब्रांच में होता है, ठीक है, चलो कोई बात। और कोई बताइए जिसने नहीं बोला आप, उन्होंने नहीं बोला आज, क्या नाम है अपने? ललित जी, ललित जी। अच्छा आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा है। अच्छा माइक खराब है उनका। ओके ओके, ठीक है। ये अच्छा मानना है, जब ना बताना हो कुछ, ना बात ना करने, सर मेरा माइक ही खराब है यार, मैं सुन सकता हूँ बोल नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। कौन बोलेगा इसके लिए? शुक्र, शुक्र नीच का है, शुक्र नीच का है। हाँ अब इस कुंडली में शुक्र नीच का है, अब इसका नीच भंग हो रहा है क्या? बुध, हाँ हो रहा है सब। अभी इसमें कौन सा रूल लग रहा है उनके साथ? इसमें क्या कौन सा रूल लग रहा है कि जो प्लेनेट नीच का है उसी राशि में जो प्लेनेट उच्च का होता है वो उसी के साथ बैठा है। तो क्या वीनस वर्गो साइन के अंदर, वीनस वर्गो साइन के अंदर नीच का होता है, और वर्गो साइन के अंदर कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है? मरकरी। तो वो साथ ही बैठ गया जी, तो क्या किया इस मरकरी ने, इस वीनस का नीच भंग कर दिया। भाई मेरी बीवी बोली है बंद कर दो रोटी बना लो। सर एक मैंने आपको भेजा था सर, वो सर वो आप देखेंगे यार, वो भी देखूंगा, देखूंगा कल देखता हूँ। हाँ जी, तो समझ में आ गया नीच भंग हो गया जी सर। अब आपको पता है अमिताभ बच्चन जी ने कितने मतलब कहां से स्ट्रगल करके निकल कर आए। तो भाई नीच भंग है तो परेशानी तो आएंगी, लेकिन निकल आओगे, कभी अटके नहीं रहोगे। परेशानी आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगी, ठीक है, और लेकिन निकल आओगे। दूसरा अगर इसको बाधक ग्रह देखें हम, कौन सा होगा बाधक ग्रह बताओ, कौन सा होगा इस कुंडली में? इस कुंडली का बाधक ग्रह कौन है? चारवा। पहले देखो लगन के अंदर चार राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, स्थिर राशि है, स्थिर राशि है। स्थिर राशि के लिए कौन सा भाव बाधक होता है? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है? एक तो चंद्रमा, इनका बाधक ग्रह हो गया, और दूसरा चंद्रमा यहाँ नौवें घर में कौन सी राशि है? शुक्र की। इनकी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा बाधक प्लैनेट है, ठीक है। अब हमने एक रूल और बताया था कि बाधक प्लैनेट अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो क्या कराता है? नेम फेम। क्या कराएगा? नेम फेम कराएगा, विपरीत राजयोग, राजयोग बनाएगा। राजयोग बन गया ना एक तरह से। जी सर, जी सर। तो देखिए वीनस कहाँ बैठ गया इनका बाधक ग्रह होके, आठवें घर में बैठ गया, आठवें घर में बैठ गया। अब आपके सामने सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल से समझाते हैं हम, तो भाई सामने कहते हैं ना वो साच को आंच क्या। तो अमिताभ बच्चन के सारे में सब जानते हैं कितना नेम फेम कमाया है, लेकिन इसी बाधक ग्रह ने उठा दिया। अगर ये बाधक कहीं और बैठ जाता तो यही दुबा जाता। और वीनस देखिए, वीनस कारक भी है फिल्म इंडस्ट्री का एक तरह से, कहां से
मतलब जो बाधक था वही वरदान, जो कहते हैं ना जो मारने वाला था वही बचाने वाला बन गया इसका, ठीक है। और इसका निजभंग भी हो गया, किसने किया? मरकरी ने। अब इसका और चीज सोचो, क्या सोचोगे कि अगले ने अपनी इंटेलिजेंस से नीच भंग कर दिया। मरकरी क्या इंटेलिजेंस का कारक है? मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, तो अपने दिमाग से जो नीच का प्लैनेट नीच पे जाता, अपने दिमाग से ऊपर उठ गया वो अपनी इंटेलिजेंस से। हाँ जी 0.5। किसी की आवाज आ रही है सर, बताने किसी की आवाज आ रही है? आवाज तो आती रहेगी सर, आप बोलते रहो, अपने आपके म्यूट में वो कर लिया करो सर, अब इसमें कोई बात नहीं है कहने वाली। सर एक, हेलो हाँ जी आप पूछो सर, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो सर। मेरा तुला लगन की कुंडली है, उसमें सन बैठा हुआ है, ठीक है सर। हाँ, हाँ। और सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, और आठवें घर में सैटर्न बैठा हुआ है। हाँ हेलो हाँ जी बोलो बोलो सर। तो सर यहाँ पे नीच भंग हो गया, तो ये नीच भंग हो गया सर। आप बताओगे ना सर, अब मैंने सिखा दिया, आप लगाओ, आप लगाओगे ना सर, अब तो आप बताओ लग बना नहीं बना। हाँ जी सर, सर ये नीच भंग हो रहा है ना? हाँ तो सर हो तो रहा है, आप बताओगे ना, तो आप बताओगे, मैंने सिखा दिया, आप बताओ हो रहा नहीं? हाँ सर हो रहा है, हो रहा है सर। और सन जो मेरा D9 के अंदर है सर, वो भी मेष का सन है। हाँ उच्च का है उसमें। हाँ और सन की जो दशा है अभी जुलाई से आएगी, जुलाई से आएगी, तो उसमें सर कुछ चेंज होगा कुछ लाइफ में? बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। तो कुछ चेंज होगा लाइफ में? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा लेकिन सर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो लगती नहीं राजयोग वाली, तो कोई पॉसिबिलिटी? यार राजयोग का मतलब ये नहीं कि आप मतलब ट्रंप की जगह आपको अपॉइंट कर लेंगे, ऐसा नहीं। राजयोग का मतलब है कि भाई सब चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, आप अपने घर आप अपना राजयोग। अच्छा, का मतलब ये नहीं कि आप मतलब सभी मिनिस्टर बन के बैठ जाएंगे सर, ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए अलग कुछ अलग योग होता है, अपनी पोजीशन उड़ जाएगी अपनी पोजीशन है वहां, थोड़ा जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उस सिचुएशन निकलकर आप एक अपर लेवल पर आ जाओगे, बस ये समझ लो। बिल्कुल मतलब सर सन मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, सन सन जो है। बाकी देखना पड़ेगा सर, अभी तो आपने एक चीज सीखी है ना, अभी तो 10 चीजें और लगती है कुंडली के अंदर, पर आप ये मान के चलिए कि हाँ जितना आपने अब तक सीखा है आपकी बेटरमेंट होगी उसमें पक्का। ठीक है जी सर, एक चीज पूछनी है। हाँ जी हाँ जी बहुत पूछिए। तुला लगन की कुंडली है, 12वें घर के अंदर कन्या राशि है वीरगो, हाँ जी, वहाँ बुध बुध बैठा है, ठीक है, उस भाव को उसके जो लॉसेज हैं और डैमेजेज हैं वो सारे बढ़ाएगा घटाएगा? नहीं सर आप स्ट्रॉन्ग हो गए ना। हाँ तो स्ट्रॉन्ग हो गया, जब कभी भी माले खर्चे वाले घर में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आ गया तो खर्चे तो होंगे लेकिन अननेसेसरी नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे चीजें, बर्बाद नहीं होंगे चीजें, खर्चे तो होंगे लेकिन अच्छे कॉज के लिए होंगे। जब कोई मेहनती जाके बैठ जाता है खर्चे के वाले घर में तो अनाप शनाप खर्चे करवाता है वो। अब खर्चे तो करोगे लेकिन सोच समझ के करोगे, करना है वहां करोगे, जहां नहीं करना वहां नहीं करोगे। और साथ में शनि आ गया 12वें घर में ही। हाँ तो शनि आ गया 12वें घर में, अब ये देखना पड़ेगा, शनि तो वीक तो रहेगा क्योंकि बुध अपनी राशि का बैठा है, दोनों मित्र भी है, ठीक है ना, तो क्या होगा। अब यहाँ इन दोनों में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन है? मरकरी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग राशि का वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो दूसरे वाले को दबा लेगा ना, या उसका कहना मानना पड़ेगा दूसरे वाले को। दोनों आपस में दोस्त भी हैं, शनि और बुध, तो अब यहाँ पर शनि अच्छे रिजल्ट देगा आपको। शनि और बुध दोनों मित्र है ना, दोनों मित्र है, बुध भी अच्छे रिजल्ट देगा, बुध भी अच्छे रिजल्ट, बिल्कुल बिल्कुल देगा अच्छे रिजल्ट। चलो जी अभी सिर्फ कोर्स पे ध्यान दें, जो लोग पहले जानते हैं उनकी बात अलग है, उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, जो
पहले से ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अभी जो इनिशियल लेवल पे जो लोग जुड़े हैं वो सिर्फ बेसिक पे ध्यान दें, बस यही है। और एक एक दो महीने में आपका बेसिक और ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप छलांग मार लेना जितनी मर्जी, फिर थोड़ा प्रेडिक्टिव पार्ट पे जाएंगे। दो तीन क्लास के बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्टिव पार्ट पर थोड़ा थोड़ा लेकर आऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत चीजें प्रेडिक्शन में लगती है हमारी, वो चीज आपने सीखी नहीं अभी, तो धीरे धीरे। तो ठीक है जी, फिर हमारा आज का कोर्स इतना ही है, आप मैं ये भेज दूंगा, सुन लेना, अभी समझ में आ गया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज का सारा खराब हो जाएगा पढ़ा लिखा आपका। अगर आज आपने प्रैक्टिस नहीं की या एक दो दिन के अंदर आपने प्रैक्टिस नहीं की। हेलो बेटा, क्या हाल चाल? आशीष जी के पीछे बेटा खड़ा हुआ है आपका, नमस्कार। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जितना मैंने समझाया है सब खराब हो जाएगा, सब भूल जाओगे दो दिन के अंदर अंदर, आप पक्का भूल जाओगे, और फिर पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, ये बता दो मैं आपको। अगर एक हफ्ता निकल गया ना आपको, तो आपको पढ़कर भी समझ नहीं आएंगे ये योग। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, इसको आज या कल में ही अच्छे से एक दो बार वीडियो को सुन लेना, दोबारा से स्लाइड को देख लेना, समझ लेना, उसी वक्त कुछ ना आए तो व्हाट्सएप पर डाल देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, वरना तो मैंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो दो तीन बार सुनोगे तो अपना आप ही योग आपको क्लियर हो जाएंगे साथ। तो सर आज ही भेज देना, मैं कोशिश करता हूँ मैडम आज ही, क्योंकि अभी आधा पौन घंटा ना इसको डाउनलोड होने में लगता है, फिर ये मैं आपको भेजता हूँ, तो मैं भेज दूंगा, चलो आज ही भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो जी एंजॉय करो, हैव ए गुड डे सर, और कल मिलते हैं फिर सर। अब कल नहीं मिलेंगे, कल क्लास नहीं होगा, मैं कल दशहरा है शायद, सब इधर उधर कुछ ने जाना होगा, तो मैं कल देखता हूँ क्लास को, शायद स्किप करूंगा अगर, क्योंकि वो 6 से 8 का टाइम है, वही दशहरा का टाइम रहता है, किसने आउटिंग पे जाना है, किसने कुछ जाना है, तो कल की शायद क्लास नहीं होगी। हमारे में ऐसा है कि शायद दशहरे पे जा रहा हूँ घूमने फिरने, कल क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वैसे? नहीं रहने दो, त्योहार का दिन है। आपने पढ़ लिया है इस वजह से नहीं, मतलब आप समझिए, अगर मैं आपने फर्स्ट क्लास होती है, मतलब आपने पहली बार आप क्लास ज्वाइन करते, पहली बार मतलब है कि आपने वो कोर्स नहीं किया होता, मैं रिपीट ना करा रहा होता, फिर मैं आपसे पूछता कि भाई क्लास स्किप की जाए या पढ़ाया जाए, तो क्या जवाब होता? सर मैं तो आज भी सोच रही थी। हाँ जी, क्या कह रहे मैडम, मैडम बताएंगे। आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ आ रही है, पिछली चीजें पढ़ रखी है आपने, ठीक है, तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बस इतना ही पढ़ना है, और कुछ मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये भी याद करो वो भी याद करो, मैंने जितना अब तक आपको भाव राशि प्लैनेट ये सब पढ़ाया, दृष्टि ऊंच नीच मित्र शत्रु ठीक है अवस्था पढ़ाई है, सिर्फ ये तो याद कर लो, ये तो जीवन भर लगी रहनी है, तो आज भी याद करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे साल बाद करोगे, करनी तो पड़ेगी, ये पीछा नहीं छूटेगा, और सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, कुछ ही याद नहीं करना आगे, मैं कभी ये नहीं कहूंगा याद करो, आगे चीजें सिर्फ समझने की होंगी, जैसे आज समझने की चीजें थी, याद तो नहीं करना कुछ, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई आपको, वो पुरानी चीजें लगती रहेंगी, उनके रूप बदलते रहेंगे, सारा समझ आएगा, बस चलो एंजॉय करो फिर, सारा समझ आएगा सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ओके जी, थैंक यू सर, मिलते हैं फिर, आपको भी सभी को दशहरा की मुबारक हो, अच्छे से कल एंजॉय करो अपना दशहरा को, एंजॉय करो, ओके जी, ओके।